Hello everyone, this is Anil Kumar and I welcome you all from the side of Edu Emerald. I'm a faculty of English and today we are going to discuss another important point which is frequently asked in our examination, right? So let's discuss. देखिए आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं. आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. Demonstrative pronouns. Today we are going to discuss demonstrative pronouns. देखिए अगर previous year का कोई भी question paper अगर आप उठाएं तो pronoun पे जो भी questions पूछे गए हैं उसमें बार बार ये topic जो है जरूर पूछा जाता है. अब पहले तो हमें समझते हैं कि demonstrative pronouns होता क्या है. देखिए सबसे पहले हमें heading को समझना चाहिए. जब भी हम किसी concept को समझें तो पहले उसकी heading को समझें. अब देखिए demonstrative क्या है. एक word है demonstrate, उससे मिलके बना है डिमॉन्स्ट्रेट. डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? टू डिस्प्ले, ठीक है, टू शो, ठीक है. तो डिमॉन्स्ट्रेट करता हो, जो दिखाता हो. यानी प्रोनाउंस विच आर यूज टू पॉइंट आउट एट पीपल आर थिंग्स. यानी वे प्रोनाउंस जो किसी की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए यूज किए जाते हैं. पॉइंट आउट का मतलब क्या होता है? टू इंडिकेट. पॉइंट आउट का मतलब होता है टू इंडिकेट. सो प्रोनाउंस विच आर यूज टू डिस्कस या प्रोनाउंस विच आर यूज टू पॉइंट आउट एट पीपल और थिंग्स, उनको हम क्या बोलते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं. यानी वे प्रोनाउंस जिनका इस्तेमाल जो है हम किसी की तरह इशारा करने के लिए करते हैं, पॉइंट आउट करने के लिए करते हैं, ठीक है. सो दिस आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. अब होते कौन कौन से हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस ये देख लेते हैं. जैसे क्या होता है? दिस होता है, दैट होता है, दिस, दोज, एडीसी. दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. आई होप सब लोगों ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में दिस दैट दिस दोज का यूज पढ़ा होगा. लेकिन एग्जामिनेशन में उस तरीके से नहीं पूछा जाता है जैसे हम लोगों को एकेडमिक्स एग्जाम में पढ़ाया जाता है, ठीक है. एकेडमिक्स में जनरली हम लोग पढ़ते हैं तो, ठीक है. आप सब लोगों को मालूम है कि दिस का यूज कहां होता है, आई गेस, ठीक है. दिस का यूज जो है, पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं. दिस जो है वो क्या होता है, ठीक है, ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, ठीक है. जैसे दिस इज माई पेन, दैट इज माई चेयर. तो नजदीकी के लिए क्या होता है, हम दिस का यूज करते हैं अगर सिंगुलर है तो. और दूरी दिखाने के लिए हम डिस्टेंस के लिए क्या यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं. वो दैट शुड बी अगेन सिंगुलर. जैसे मैंने बताया कि दिस इज माई पेन, ठीक है. तो दिस जो है वो क्या है? नजदीक दिखाने के लिए. और ये क्या है? ये सिंगुलर है, उसके लिए यूज हुआ है. अगर आपने ये कहा कि दैट इज माय चेयर, तो दैट जो है क्या है? ये डिस्टेंस दिखाने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है. और दोनों का ये यूज कहा कि किसके लिए किया जाता है? ये सिंगुलर के सेंस में यूज किया जाता है, ठीक है. ये देखिए क्या है, ये भी सिंगुलर है चेयर. तो दिस एंड दैट का जो है यूज क्या होता है? सिंगुलर के लिए किया जाता है. दिस का जो है नजदीकी के लिए, और दैट जो है वो दूरी दिखाने के लिए किया जाता है. दिस और दोज का यूज कहां हम करते हैं? दिस और दोज का जो यूज है, आप सब लोगों को याद होगा, वो प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, प्लूरल. ये दिस का जो है यूज हम क्या करते हैं? नजदीकी के लिए करते हैं, जो नजदीक नजदीक होते हैं. जैसे हमने कहा कि दिस आर माई पेन्स, ठीक है. दोज आर माई बुक्स. जैसे हमने क्या बोला कि दिस आर माई पेन्स. तो दिस जो है नजदीक दिखाने के लिए, पेन्स क्या है? ये प्लूरल है. तो हम प्लूरल के लिए हम दिस का यूज नजदीक के लिए करते हैं. और दूरी दिखाने के लिए अगर हमने ये कहा दोज आर माई
बुक्स, ठीक है। तो ये दोज क्यों लगा है? दूरी दिखाने के लिए। और ये बुक्स क्या है? वो प्लूरल है। तो हम प्लूरल के लिए हम क्या यूज करते हैं? दिस का यूज करते हैं और दोज का यूज करते हैं। दिस जो है नजदीकी के लिए और दोज का जो है वो डिस्टेंस दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका जो है वो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए, एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि अप टू 6 to 7 स्टैंडर्ड तक, मैक्सिमम 8 स्टैंडर्ड तक ये सब चीजें वो पढ़ा दी गई हैं, दिस दैट दिस दोज का जो है यूज। तो कैसे पूछा जाता है? लेट अस सी द क्वेश्चंस। अब ये सेंटेंस है, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, राइट। अब ये सेंटेंस देखिए आप, अब इसमें द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई। अगर ये क्लाइमेट क्या है अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ अ स्पीच, तो सब लोगों को मालूम है कि नाउन है। नाउन क्यों है? नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है, जिसका जो नाम रखा गया। अब ये बार बार क्या हो रहा है कि बार बार ये क्लाइमेट वर्ड यूज नहीं हो रहा है, यूज हो रहा है। द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, बार बार क्लाइमेट वर्ड यूज हो रहा है। और हम प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं? बार बार नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन। जैसे हमने बचपन में, आप लोगों ने काउ पे आई होप सब लोगों ने ऐसे याद किया होगा, ठीक है, काउ इज अ जेंटल एनिमल, ठीक है। फिर आपने बोला कि काउ गिव्स अस मिल्क, ठीक है। तो काउ तो ये क्या है? अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ये नाउन है, ठीक है। काउ इज अ जेंटल एनिमल, काउ गिव्स अस मिल्क। अब ये बार बार काउ वर्ड यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप रिपीट करते हैं तो इट्स एरर, ठीक है। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे? या तो शी यूज करेंगे अगर पर्सनिफाई करना है, नहीं तो इट यूज करेंगे, ठीक है। तो ये शी या इट क्या हो गया? ये प्रोनाउन हो गया। इन द सेम वे क्या है कि आप ये सेंटेंस में देखिए, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई। अब बार बार क्लाइमेट वर्ड ये यूज हो रहा है, तो ये नाउन का क्या है? ये रेपिटेशन है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या लगाएंगे? अगर ये आपको फाइंडिंग एरर में पूछ दिया तो क्या है ये गलत है? तो यहां पे अब चुकी क्या है, दूरी दिखाना है भाई, पुणे और मुंबई में डिस्टेंस है, दूरी दिखाएंगे। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे? यहां पे आपका जो है यूज होगा वो दैट यूज होगा, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कि बार बार वो रिपीट कर देता है नाउन को, जो आपको अवॉइड करना है। यहां पे क्या यूज करना है? दैट यूज करना है, क्यों? क्योंकि इट शोज डिस्टेंस। सेकेंड थिंग कि ये सिंगुलर है तो नेचुरली जो है दैट लगेगा। और इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? हमने कहा कि इसमें है कि द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर ब्रॉडर देन दैट ऑफ मुंबई। अगर मान लीजिए इसको उसने क्या बना दिया, फाइंडिंग एरर का क्वेश्चन बना दिया, इसको ए कर दिया, बी, सी और डी मींस नो एरर, ठीक है। बैंकिंग वालों में ई ऑप्शन कर देता है, नो एरर होता है। The streets of Delhi are broader than that of Mumbai. अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, ये streets है। अब ये singular है या plural है? तो naturally आपका क्या है? वो plural है, ठीक है। तो the streets of Delhi are broader than, अब यहां पे क्या use कर दिया? That use कर दिया। अब that ये बताइए कि singular है या plural है? तो singular है। तो भई अगर यहां पे जो है प्लूरल अगर यूज हुआ है नाउन, तो उसके लिए जो प्रोनाउन लगेगा वो भी प्लूरल होना चाहिए। तो यहां पे गलती क्या है? ये दैट की। यहां पे क्या होना चाहिए? दोज होना चाहिए। दैट्स हाउ द क्वेश्चन इज गिवन इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर ब्रॉडर देन दोज ऑफ मुंबई, दैट्स हाउ द क्वेश्चन आर आस्क्ड, ठीक है। तो ये हमने देखा कि कैसे इस पे दो तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा जो है और भी मैनिपुलेशन होता है क्वेश्चंस का, जैसे कई बार इसको पूछा भी है, जैसे लेट्स मैनिपुलेट द क्वेश्चन। अगर मान लीजिए वो आपको ऐसे दे दे, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन, आपको दे दे मुंबई,
डायरेक्ट दे दे यहां पे, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन मुंबई, यहां पे आपको दे दे कि ठीक है द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर ब्रॉडर देन मुंबई, ठीक है। अब इसमें देखिएगा अगर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं तो इस चीज को हमें समझना है, ये क्या कह रहा है, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन मुंबई। यहां पे देखिए पुणे पुणे और मुंबई के बीच में कंपैरिजन नहीं हो रहा है, द क्लाइमेट ऑफ पुणे, पुणे की क्लाइमेट किससे बेहतर है, मुंबई से। मुंबई क्या है, मुंबई इज अ सिटी, ये कैसे हो सकता, सिटी भाई मुंबई के क्लाइमेट से हो सकती है, ठीक है, मुंबई शहर से कैसे हो सकता है। तो इसको बोलते हैं हम अनरिलेटेड कंपैरिजन, यानी ये इससे कोई कंपैरिजन नहीं है, ये बिना मतलब का मीनिंगलेस जो है कंपैरिजन है। तो हम यहां पे क्या यूज करेंगे इसको, हम ये कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, तो आपको क्या करना है, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन, अब या तो जैसे मैंने बताया कि दैट ऑफ आप यूज करें, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, हालांकि वो आपको ऑप्शन दे देता है, और नहीं तो अगर हम इसको क्या कर सकते हैं, पोजेसिव फॉर्म बना दें इसका, मुंबई अगर हमने बना दिया, मुंबई का मतलब क्या है, इट शोज पोजेशन, मुंबई की, तो मुंबई की क्या क्लाइमेट, ठीक है, तो द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन मुंबई, ठीक है, तो उसको पोजेसिव फॉर्म में अगर आपने बना दिया तो क्या हो गया, ये इट हैज बिकम करेक्ट, ठीक है। द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर ब्रॉडर देन मुंबई, तो अगेन दिल्ली की सड़कें जो है ज्यादा चौड़ी हैं मुंबई से। अब मुंबई की क्या, मुंबई तो शहर है ना, और यहां पे स्ट्रीट्स की बात कर रहे हैं, तो यहां भी अगेन आप जो है अगर इसका पॉजिटिव फॉर्म बना दें, मुंबई कर दें, तो यहां पे क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, मुंबई की मतलब मुंबई, यहां पे पोजिशन क्या दे रहा है कि जैसे यहां पे क्लाइमेट छुपा हुआ है और यहां पे क्या छुपी हुई है, स्ट्रीट्स छुपी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से इस पे जो है वो मेजरली जो है वो तीन तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है, और कैसे पूछा जाता है ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। सो लेट्स सम अप व्हाटएवर वी हैव लर्नड इन द क्लास। फर्स्ट थिंग हम लोगों ने देखा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस विच आर यूज टू पॉइंट आउट एट पीपल आर थिंग्स, जिनका इस्तेमाल हम किसी को पॉइंट आउट करने के लिए करते हैं। दूसरा जो है फिर हमने देखा कि कौन कौन से होते हैं, तो जैसे दिस दैट दिस दोज, अब ये क्या होते हैं, दिस दैट जो है सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, दिस दोज जो है वो प्लूरल के सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। अब इन पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो मान लीजिए बार बार नाउन का रेपिटेशन कर दे, तो मैंने बताया था कि वहां पे जो है ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस लगेंगे, ठीक है। अगर ये सिंगुलर है तो दैट लगेगा, और अगर ये प्लूरल है तो यहां पे दोज लगेगा, ठीक है। और बाकी तीसरा तरह से जो क्वेश्चन मैंने बताया कि अगर मान लीजिए अगर ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन दे दे आपको, नाउन रख दिया, तो इसको हम पोजेसिव फॉर्म बना करके कर सकते हैं। इसका पोजेसिव फॉर्म मुंबई कर दिया तो हमने, इसका मतलब हो गया कि मुंबई की क्लाइमेट, यहां पे मुंबई का मतलब ये हुआ कि द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी कैन हैंडल द क्वेश्चंस, ठीक है, इफ आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, राइट। सो thank you very much from my side, right, and let's meet in the next session for with another video, okay, which would be quite useful for your upcoming exams. So thank you very much.